लेक्चर नंबर 79 में हमने ये दो एप्लीकेशन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, गॉस रूलर थ्योरम का, मिक्सिंग ऑफ इनटू अ फ्लुइड्स। किसी दो फ्लुइड्स को मिक्स करेंगे तो उस केस में जो लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइप देखो इस तरीके से है, इधर दो सेक्शन है। ठीक है, यहां से मास फ्लो रेट है एम डॉट टू, ये मास फ्लो रेट है एम डॉट वन। ठीक है, अब ये दोनों फ्लुइड क्या हो रहा है, यहाँ पे आके मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे बताओ मास फ्लो रेट कितना होगा। सो दिस इज एम डॉट वन प्लस एम डॉट टू। इस डायग्राम को मत देखो, ये ग्रासमैन डायग्राम है, ये लास्ट में समझेंगे। कुछ एजम्पशंस है इसके अंदर, इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड्स है, आइडियल गैस है। ठीक है, एडियाबेटिकली मिक्स कर रहा है, इसका मतलब ये जो ये इंसुलेटेड पाइप है, एडियाबेटिक का मतलब है इंसुलेटेड पाइप है, सिस्टम टू सराउंडिंग लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, दिस इज इंसुलेटेड पाइप और लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट प्रेशर। जो पिछला एप्लीकेशन था फ्लो विद फ्रिक्शन, इसमें प्रेशर डिफरेंस था। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो रहा था, बट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर है। प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे, सो इसके अंदर हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, मान लो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो स्टेडी फ्लो है। ठीक है, इस पाइप के अंदर स्टेडी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से जो फ्लूइड एंटर कर रहा है इसके अंदर एनर्जी कितना होगा। सो दिस इज एम डॉट वन, फ्लूइड है तो यहाँ पे इंथैल्पी होगा, एच वन ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में इंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, प्लस इनलेट सेक्शन पे ये आ जाएगा एम डॉट टू, दिस इज एच टू। उसके बाद देखो आउटलेट सेक्शन पे, आउटलेट सेक्शन पे मास है एम डॉट वन प्लस एम डॉट टू, इस सेक्शन पे इंथैल्पी होगा, दिस इज एच थ्री। ठीक है, यहाँ पे एच थ्री कर दो इसको, दिस इज एच टू एंड दिस इज एच वन। यहाँ पे टेम्परेचर है टी वन, इधर टेम्परेचर है टी टू, आउटलेट पे है टेम्परेचर टी थ्री। ठीक है, आइडियल गैस है तो आइडियल गैस पे एंथैल्पी फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का, सिर्फ आइडियल गैस के केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एम डॉट वन, दिस इज एच वन, एच वन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सी पी टी वन प्लस एम डॉट टू सी पी टी टू इज इक्वल टू एम डॉट वन एम डॉट टू, दिस इज सी पी टी थ्री। CP से CP कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज मास फ्लो रेट वन मास फ्लो रेट टू, इधर टेम्परेचर वन आएगा, दिस इज टेम्परेचर टू इज इक्वल टू टेम्परेचर थ्री। यहाँ पे लिख देते हैं एम डॉट वन प्लस एम डॉट टू, एम डॉट वन प्लस एम डॉट टू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इस तरफ आ गया, यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू एम डॉट वन एंड दिस इज एम डॉट वन प्लस एम डॉट टू। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया। अगर देखो सपोज इसके अंदर ये है सपोज 50, यहाँ से फ्लूड एंटर कर रहा है सपोज 20। ठीक है, 20 यहाँ से एंटर कर रहा है, इधर से 50 निकल रहा है, तो इसका मतलब इधर से कितना एंटर कर रहा है, 30। ठीक है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाय दिस इज 20 प्लस 30। तो इसको हमने एक्स रिप्रेजेंट किया है, तो अगर यहाँ पे देखो फ्रैक्शन की टर्म्स में हमने इस तरीके से लिखा है, जो m डॉट वन है उसको हमने x डिनोट किया है, तो अगर यहाँ से x अमाउंट ऑफ फ्लूड एंटर कर रहा है तो यहाँ से कितना एंटर करेगा, यहाँ से 1 माइनस x करेगा। यहाँ से x एंटर कर रहा है तब यहाँ से 1 माइनस x फ्लूड एंटर करेगा, तो यहाँ से लीव कितना होगा, तो यहाँ से 1 लीव करेगा, मतलब 100% फ्लूड यहाँ से लीव करेगा, ये मतलब है। तो यहाँ पे जो m डॉट वन डिवाइड बाय m डॉट वन प्लस m डॉट टू है, इसको हम x लिख सकते हैं। ठीक है, x t1 प्लस इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं हम m डॉट टू डिवाइड बाय m डॉट वन प्लस m डॉट टू। इस पाइप में x कर रहा था तो इस पाइप में कितना करेगा, 1 माइनस x। ठीक है, सो दिस इज 1 माइनस x, T2 टेम्परेचर इज इक्वल टू T3। इसके बाद देखो x प्लस 1 माइनस x T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T1। क्या किया है इस पूरे एक्सप्रेशन में, इसको हमने T1 से डिवाइड कर दिया है, डिवाइड बाय T1 on both side। ठीक है, यहाँ पे T2 divided by T1, इसको हम लेट कर लेते हैं tau। ठीक है, इसको tau लेट कर लिया, so this is x plus 1 minus x, this is tau T3 divided by T1। इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो गॉस रूलर थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी है वो डिपेंड करता है एंट्रोपी जनरेशन पे, तो हमें यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एंट्रोपी जनरेशन कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अप्लाई किया था, अब यहाँ पे अप्लाई करो एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन, एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन, जिससे हमारा एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन,
तो एंट्रोपी कब ट्रांसफर होगा, जब मास ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे इनलेट सेक्शन पे देखो मास ट्रांसफर हो रहा है, सो दिस इज एम डॉट वन, ठीक है। मास के साथ एंट्रोपी भी ट्रांसफर होता है। एक और है यहाँ पे मास, दो इनलेट सेक्शन है, सो दिस इज एम डॉट टू एस टू प्लस एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू एम डॉट थ्री एंड दिस इज एस थ्री, ठीक है। एम डॉट थ्री का मतलब है एम डॉट वन प्लस एम डॉट टू। तो यहाँ से हमारा एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा, एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा एम डॉट थ्री एंड दिस इज एस थ्री प्लस माइनस एम डॉट वन एंड दिस इज एस वन माइनस एम डॉट टू एंड दिस इज एस टू। अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो एम डॉट थ्री से बाय बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंट्रोपी जनरेशन डिवाइड बाय मास फ्लो रेट एम डॉट थ्री इज इक्वल टू दिस इज एस थ्री माइनस एम डॉट वन डिवाइड बाय थ्री। यहाँ पे देखो एम डॉट वन डिवाइड बाय एम डॉट थ्री, इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, एम डॉट थ्री का मतलब है एम डॉट वन प्लस एम डॉट टू, इसको हमने एक्स रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स, दिस इज एस वन माइनस एम डॉट टू को क्या लिख सकते हैं हम, वन माइनस एक्स, दिस इज एस टू, ठीक है। ये हो गया एंट्रोपी जनरेशन का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, सो दिस इज एस थ्री माइनस एक्स एस वन माइनस दिस इज एस टू प्लस एक्स एस टू इज इक्वल टू एस थ्री माइनस एस टू प्लस एक्स कॉमन आ गया यहाँ से, दिस इज एस टू माइनस एस वन, ठीक है। ये हो गया एंट्रोपी जनरेशन एंड दिस इज मास फ्लो रेट एम डॉट थ्री। एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू एम डॉट थ्री इज इक्वल टू एस थ्री माइनस एस टू। देखो जो फ्लूड है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूड में एंट्रोपी, जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है, उसका एक्सप्रेशन होता है स्पेसिफिक हीट नेचुरल लॉग एंड दिस इज टी थ्री डिवाइड बाई टी टू, ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, एस थ्री पे टेम्परेचर है टी थ्री, एस टू पे टेम्परेचर है टी वन, क्योंकि यहाँ पे फ्लूड को मिक्स किया है ना, तो फ्लूड को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सो इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखेंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स और इसकी जगह आ जाएगा सी पी नेचुरल लॉग एंड दिस इज टी टू डिवाइड बाई टी वन, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसका, एंट्रोपी जनरेशन का। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दो एम डॉट थ्री इज इक्वल टू नेचुरल लॉग टी थ्री डिवाइड बाई टी टू। यहाँ से सी पी हमने बाहर निकाल लिया, उसके बाद ये देखो एक्स है तो एक्स इसके अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा टी टू डिवाइड बाई टी वन, इसका पावर बन जाएगा, ठीक है। अब लॉग का प्रॉपर्टी होता है जब भी एडिशन होता है तो उसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, दिस इज टी टू और ये टी वन है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज टी थ्री डिवाइड बाय टी वन और टी वन डिवाइड बाय टी टू, मतलब यहाँ पे क्या गया टी वन और टी वन क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो दिस इज टी टू डिवाइड बाय टी वन, इसकी पावर है एक्स, ठीक है। एंट्रोपी जनरेशन डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट एम डॉट थ्री एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग दिस इज टी थ्री डिवाइड बाय टी वन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे टी टू डिवाइड बाय टी वन, इसको अगर नीचे लिखेंगे हम टी टू डिवाइड बाय टी वन इस तरीके से लिखेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस एक्स, क्योंकि इसकी पावर एक्स है, तो जब ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एन एस, एन एस रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्रोपी जनरेशन एंड दिस इज एम डॉट थ्री सी पी, ठीक है। याद रखना ये टोटल मास फ्लो रेट है, टोटल मास फ्लो रेट, ठीक है। इसको बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन नंबर, एंट्रोपी जनरेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद देखो टी थ्री डिवाइड बाई टी वन, इसका एक्सप्रेशन यहां पे देखो टी थ्री डिवाइड बाई टी वन, इसका एक्सप्रेशन ये है एक्स प्लस वन माइनस एक्स टाउ, तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग दिस इज एक्स प्लस वन माइनस एक्स एंड दिस इज टाउ डिवाइडेड बाय टी टू डिवाइड बाई टी वन, इसकी जगह लिख सकते हैं हम टाउ वन माइनस एक्स, जो टाउ है वो क्या है टी टू डिवाइड बाई टी वन का रेशियो है, ठीक है। मतलब इनलेट फ्लूड का रेशियो है, इनलेट फ्लूड के टेम्परेचर का रेशियो है ये टाउ। तो यहाँ से देखो एंट्रोपी जनरेशन क्या आ जाएगा, एंट्रोपी जनरेशन आ गया मास फ्लो रेट, ठीक है। ये टोटल मास फ्लो रेट है, स्पेसिफिक हीट दिस इज नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स टाउ एंड दिस इज टाउ वन माइनस एक्स। उसके बाद इरिवर्सिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, जिस रेट से अवेलेबल एनर्जी लॉस हो रहा है उसका एक्सप्रेशन आ गया
एम्बिशन टेम्परेचर होता है टी नॉट एंड दिस इज एंट्रोपी जनरेशन. सो बस यहाँ पे हम टी नॉट आ जाएगा एंड दिस इज नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स, दिस इज टाउ वन माइनस एक्स. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा रेट ऑफ लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी. तो जब भी किसी दो फ्लूइड्स को अगर हम मिक्स करेंगे तो उस केस में जो अवेलेबल एनर्जी का लॉस है उसका एक्सप्रेशन ये होगा. बुक में कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रखा है, इस डायग्राम को हम ग्रासमैन डायग्राम कहते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है वो समझो, इस डायग्राम के जरिए हम अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना अवेलेबल एनर्जी लॉस हो रहा है, इनलेट सेक्शन पे कितना अवेलेबल एनर्जी है और आउटलेट सेक्शन पे कितना अवेलेबल एनर्जी है वो हम इस डायग्राम से इजिली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ग्रासमैन डायग्राम प्लॉट करना पड़ता है. तो यहाँ पे देख लो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जो इनलेट सेक्शन है इस तरीके से फ्लूइड एंटर कर रहा है, दो फ्लूइड है. तो यहाँ पे देखो इनलेट सेक्शन पे अवेलेबल एनर्जी इतना है, जब फ्लूइड मिक्स नहीं हुआ था तब अवेलेबल एनर्जी इतना था, मिक्स होने के बाद आउटलेट सेक्शन पे जो फ्लूइड निकलेगा उसका अवेलेबल एनर्जी देखो. तो यहाँ पे सर्कल देखो, सर्कल का जो रेडियस है वो रिड्यूस हो गया है. तो मतलब देखो यहाँ पे जो अवेलेबल एनर्जी है वो लॉस हो रहा है, इजिली फाइंड कर सकते हैं हम ग्रासमैन डायग्राम से कितना अवेलेबल एनर्जी लॉस हुआ है. तो वो ये जो है जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी. ठीक है, तो ग्रासमैन डायग्राम सिर्फ इनलेट और आउटलेट पे बताता है कि कितना अवेलेबल एनर्जी है और कितना अवेलेबल एनर्जी लॉस हो रहा है. ठीक है, तो बस इतना सा था ये डायग्राम. इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये एग्जांपल नंबर 8.11 है, शॉर्ट एग्जांपल है पीके नाग बुक का. इसको पेज नंबर 275 पे फाइंड कर सकते हो. वाटर 90 डिग्री सेल्सियस पे है जिसका मास फ्लो रेट दे रखा है 2 केजी पर सेकंड. 90 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, दिस इज T1. ठीक है, दूसरा फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और इसका मास फ्लो रेट है 1 केजी पर सेकंड. ठीक है, इस तरीके से दो फ्लूइड एंटर कर रहे हैं, दिस इज T2 और ये है T1. ठीक है, यहाँ पे मास फ्लो रेट कितना होगा, सो 2 प्लस 1 ये हो गया 3 केजी पर सेकंड. ठीक है, तो ये हो गया m.3. एंट्रोपी जनरेशन कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट करना है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे देखो एंट्रोपी जनरेशन का एक्सप्रेशन क्या था, दिस इज m. ठीक है, m.3 था, ये टोटल मास फ्लो रेट था जो आउटलेट पे था. ठीक है, स्पेसिफिक हीट सीपी, नेचुरल लॉग एंड दिस इज 1 प्लस 1 माइनस एक्स टाउ, यहाँ पे एक्स आता है. ठीक है, डिवाइड बाय टाउ की पावर है 1 माइनस एक्स. ठीक है, मास फ्लो रेट कितना है 3 केजी पर सेकंड है, स्पेसिफिक हीट वाटर का 4.2 होता है, नेचुरल लॉग एक्स, एक्स कैलकुलेट करते हैं. देखो एक्स होता है m.1 एंड दिस इज m.1 प्लस m.2. एक्स का मतलब है फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. यहाँ पे मास फ्लो रेट कितना है 2 केजी पर सेकंड है और टोटल मास फ्लो रेट कितना है 3 केजी. ठीक है, तो एक्स हो गया 2/3. तो यहाँ पे फ्रैक्शन कितना होगा 1 माइनस 2/3 हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 1/3. ठीक है, तो एक्स का वैल्यू है 2/3 प्लस दिस इज 1/3. अब टाओ देख लो, टाओ है T2 डिवाइड बाय T1. T2 टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज 300 केल्विन टेम्परेचर और ये 90 डिग्री सेल्सियस है. सो दिस इज 273 प्लस 90, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 363, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.835. ठीक है, तो टाओ का एक्सप्रेशन आ गया 0.835, यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो दिस इज 0.835 डिवाइड बाय 0.835 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 2/3. ठीक है, तो यहाँ से इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसे आंसर आ जाएगा 0.0442 किलो वॉट पर कैलविन. तो यहाँ पे ये एंट्रोपी जनरेशन आ गया. अब रेट ऑफ लॉस ऑफ एक्सर्जी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, मिक्स करने के बाद इसमें कितना अवेलेबल एनर्जी लॉस हो रहा है, सो दिस इज T0 एंट्रोपी जनरेशन. एम्बिशन टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, एंट्रोपी जनरेशन है 0.0442. तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 13.26 किलो वॉट. ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे भी कर सकते थे, अनदर मेथड. एक फ्लूइड है जिसका 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और एक फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. इसका मास फ्लो रेट 2 केजी पर सेकंड है, इसका मास फ्लो रेट 1 केजी पर सेकंड है. तो यहाँ पे देखो मिक्स होने के बाद इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज m.1 T1 टेम्परेचर, m.2 एंड दिस इज T2 टेम्परेचर, दिस इज m.1 प्लस m.2. मास फ्लो रेट दे रखा है 2 केजी, टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, 1 केजी पर सेकंड और यह 30 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 2 प्लस 1. सॉल्व करेंगे आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस. तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया 70 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमें एंट्रोपी जनरेशन कैलकुलेट करना है तो एंट्रोपी जनरेशन होता है डेल्टा एस यूनिवर्स. ठीक है,
ठीक है, दिस इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक का मतलब सराउंडिंग में तो लॉस नहीं हो रहा, तो सराउंडिंग एंट्रोपी जीरो हो गया। सो एंट्रोपी जनरेशन किसके इक्वल आ गया, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम का एंट्रोपी देखो, सिस्टम यहाँ पे देखो इस पाइप के अंदर देखो, पहले 90 डिग्री सेल्सियस था इस फ्लूड का टेम्परेचर, और इसी फ्लूड का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है, तो जब भी किसी फ्लूड का टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर किसी फ्लूड का चेंज हो रहा है, तो उस केस में जो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन है वो ये होता है, एम डॉट सी पी नेचुरल लॉग, फाइनल टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस दूसरा फ्लूड देखो, इस फ्लूड का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, तो इसी फ्लूड का टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो फ्लूड का जो एंट्रोपी है उसका एक्सप्रेशन ये होता है। सो दिस इज 273 प्लस 70, 273 प्लस ये हो गया 30। ठीक है, मास फ्लोरेट ये 1 kg पर सेकंड दे रखा है, स्पेसिफिक हीट वाटर का 4.2 होता है, ये जो मास फ्लोरेट है ये 2 kg पर सेकंड, स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है 4.2, तो यहाँ से ये एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा 0.0447 किलो वाट पर केल्विन। तो देखो सेम एंट्रोपी जनरेशन आ गया, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे आप, रेट ऑफ लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी निकालते हैं, सो एम्बिशन टेम्परेचर 300 दे रखा है, सो दिस इज 0.0447। अभी कैलकुलेट किया था इरिवर्सिबिलिटी कितना आया था 13.26, तो ये भी हो जाएगा 13.26 किलो वाट। ठीक है, तो इतना अवेलेबल एनर्जी लॉस होगा जब हम किसी भी फ्लूइड को मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था न्यूमेरिकल।